हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर पोट्रॉनिक्स के हार्मोनिक्स ट्विन्स S40WS ईयरबड्स का रिव्यू करेंगे जो कि विद इन अ वीक के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर क्या स्पेक्स होने वाले हैं, क्या फीचर्स होने वाले हैं, इसका प्राइस क्या होने वाला है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाले है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके केस डिजाइन की। तो यहाँ पे जो केस है वो ट्रांसपेरेंट फाइबर केस देखने को मिलने वाला है जो कि आप देख सकते हैं फोटो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको इतना कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल बनाया गया है कि आपको कहीं पे भी कैरी करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हो अपने पॉकेट के अंदर रख के। बात करते हैं इसके वेट की। तो यहाँ पे जो केस है उसका वेट 32 ग्राम रहने वाला है और जो ईयरबड्स है उनका 3+3 ग्राम वेट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ईयरबड्स है उसके फ्रंट साइड में आपको सॉफ्ट सिलिकॉन ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसको अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते तो आपके जो ईयर है उनके अंदर बिल्कुल भी पैन नहीं होगा। और यहाँ पे बात करते हैं इसके ब्लूटूथ की। तो यहाँ पे आपको 5.3 वर्जन का फास्ट पेयरिंग ब्लूटूथ देखने को मिलने वाला है इसके अंदर। 10 मीटर कनेक्टिविटी रेंज है वो रहने वाली है इसके अंदर। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको स्मार्ट टच कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले है जिसके अंदर आप फोन कॉल्स है, म्यूजिक है, वॉइस असिस्टेंट है, इन सभी को टच सेंसर से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर आपको हैवी बेस सुनने को मिलने वाला है और 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलने वाले हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसके अंदर म्यूजिक मोड तो ऑलरेडी ऑन ही रहता है। अगर आप गेमिंग मोड ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको राइट वाला ईयरबड्स है उसके सेंसर पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो जो गेमिंग मोड है वो भी आपका ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो यहाँ पे ब्लूटूथ की जितनी भी जो डिवाइसेज होती है लाइक स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, उन सभी के अंदर यह सपोर्ट करने वाला है। और इसके अंदर आपको 32 ओम इम्पेंडेंस देखने को मिलने वाला है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें इसके अंदर तो जो मिनिमम है वो 20 हर्ट्ज तक और जो मैक्सिमम है वो 20 किलो हर्ट्ज तक आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ईयरबड्स है वो IPX4 रेटेड स्प्लैश रेसिस्टेंट आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ डस्ट रेसिस्टेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 200mAh की केस बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसके प्ले टाइम की। तो 16 आवर्स है वो केस प्ले टाइम आपको देखने को मिल जाता है। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो आपको 2 आवर्स चार्ज में लगा के रखना है तो इसका जो केस है वो एकदम फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर 60 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम रहने वाला है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके प्राइस की। तो यहाँ पे आपको यह फ्लिपकार्ट पे 949 में लॉन्च के बाद आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी स्पेक्स बताए इस ईयरबड्स के बारे में वो आपको कैसे लगे, आपको ये ईयरबड्स है वो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वंदे मातरम, जय हिंद।